उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। 10 कप कॉफी पीने के बाद जब 1 घंटा बैठ के मैंने अपनी सैलरी, बॉडी और लव लाइफ को रीमा, रोहित, टीना और विराट की लाइफ से फेसबुक पर कंपेयर किया, नेचुरली आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक शिट। और ये सोच सोच के कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मुझे पैनिक अटैक आने लगे। अपने लास्ट पैनिक अटैक के बाद जब मुझे किसी से बात करने का मन हुआ तो मैंने अपना फोन निकाला और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक की। तब मुझे पता चला कि मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसे दोस्त तो बहुत थे जो अगर फ्री की दारू पीने बुलाऊं तो तुरंत आ जाते, पर मेरी दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। अब तो अकेलेपन की जैसे आदत सी लग गई है। इन फैक्ट आप मानेंगे नहीं, फॉरएवर सिंगल लोगों की लिस्ट में मेरा नाम लगातार 4 साल फर्स्ट पोजीशन पे आता रहा। बस इससे बुरा मेरे साथ और क्या हो सकता था। फिर मेरे मन में एक ख्याल आया और मैंने फैसला कर लिया कि अपने पैसिव अग्रेसिव थॉट्स को इंस्टाग्राम पर सेंटिमेंटल कोट्स बना के अपलोड कर दूंगी और अपनी जिंदगी में जो इमोशनल वॉइड है उसे जंक फूड खा के भर दूंगी। बस ऐसे बनी मेरी सैडनेस वाली मैगी।